हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ऑनलाइन टीचिंग सब्जेक्ट SST सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ग्रेड 7। डियर स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टार्टेड आवर न्यू चैप्टर व्हिच इज चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज वुमेन चेंज द वर्ल्ड। ओके, तो बच्चों इस चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी हमने ली है। इस वीडियो में हम रिमेनिंग चैप्टर सीखने वाले हैं। सो हेयर इज द पॉइंट, लर्निंग फॉर चेंज। ओके, तो इस चैप्टर का कुछ पार्ट हमने देखा है, रिमेनिंग पार्ट इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं। क्या है, देखिए, लर्निंग फॉर चेंज यानी कि यहाँ पर एजुकेशन के बारे में जानकारी दी गई है कि लर्निंग किस तरह से चीज़ों को चेंज करती है। लर्निंग यानी कि एजुकेशन लेने से किस तरह के चेंजेस आते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट लाइन है, गोइंग टू स्कूल इज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। देखिए, हम लोगों को मालूम है कि स्कूल में जाना हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि स्कूल में जाकर ही हम अलग अलग तरह का जो एजुकेशन है वो एजुकेशन हमें मिल सकता है। यानी कि अलग अलग तरह का एजुकेशन लेकर जॉब्स गेन करना या फिर जो भी कुछ नई नई बातों का एजुकेशन है, नॉलेज है, वो हमें कहाँ पर मिलता है, स्कूल में मिलता है। तो स्कूल में जाना क्या है, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी होता है। एज मोर एंड मोर चिल्ड्रन एंटर द स्कूल एवरी ईयर, जैसे जैसे हर साल बच्चे स्कूल में जाते हैं, वी बिगिन टू थिंक दैट इट इज़ नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रेन टू स्कूल। हम क्या सोचते हैं कि ठीक है, स्कूल में जाना एक नॉर्मल चीज़ है, सभी बच्चे स्कूल में जाते हैं। देखिए, टूडे इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन दैट स्कूल एंड लर्निंग कुड बी सीन एज आउट ऑफ बाउंड्स और नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सम चिल्ड्रेन। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जिनका हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कुछ बच्चों के लिए स्कूल में जाना आउट ऑफ बाउंड्स या फिर उनको बहुत ऐसी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, पर्टिकुलरली एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। बट इन द पास्ट, पास्ट में क्या था, देखिए, द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वॉज नोन टू ओनली अ फ्यू। जो एजुकेशन है वो एजुकेशन कुछ ही बच्चों को मिल पाता था। रीडिंग एंड राइटिंग वॉज नोन टू ओनली अ फ्यू, कुछ फ्यू बच्चे या फिर फ्यू ऐसे लोग रहते थे जिनको एजुकेशन मिलता था या फिर जो स्कूल में जा पाते थे। मोस्ट चिल्ड्रेन लर्न द वर्क देयर फैमिलीज और एल्डर्स डीड। अब जो बहुत सारे बच्चे थे, कुछ ऐसे बच्चे होते थे, वो स्कूल में जाने के बजाय अपने जो फैमिली है, फैमिली मेंबर्स है, अपने जो एल्डर है, अपने फैमिली में जो बड़े हैं, उनके साथ घर के काम या फिर जो भी कुछ खेती बाड़ी के काम रहते थे या फिर ऑक्यूपेशंस रहते थे, उनमें वो अपना हाथ बटाते थे, हेल्पिंग करते थे। फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वॉज वर्स, और उन दिनों में गर्ल्स के लिए भी सिचुएशन बहुत ही वर्स थी, यानी खराब थी, उनको एजुकेशन मिल पाना बहुत ही मुश्किल काम था। इन कम्युनिटीज दैट टॉट सन्स टू रीड एंड राइट, डॉटर्स वेयर नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फाबेट। देखिए, कुछ कम्युनिटीज होती है, सोसाइटीज होती है, उन सोसाइटीज में कुछ पास्ट में क्या था, तत्कालीन समय में, कि बॉयज को थोड़ी बहुत एजुकेशन मिलती थी लेकिन गर्ल्स अल्फाबेट तक भी नहीं जा सकती थी या फिर अल्फाबेट भी वो नहीं सीख पाती थी, यानी कि एजुकेशन बहुत ही कम मात्रा में मिलता था। इवन इन फैमिलीज वेयर स्किल लाइक पॉटरी, वीविंग एंड क्राफ्ट वेयर टॉट, द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर्स एंड वुमेन वॉज ओनली सीन एज सपोर्टिव। और जो जो फैमिलीज कुछ ऐसी होती थी, कौन से काम करती थी, पॉटरी यानी कि जो भी कुछ बर्तन होते हैं वो बनाना, पॉट्स बनाना, वीविंग, क्राफ्ट, इस तरह के काम में जो घर की महिलाएं और जो गर्ल्स होती थी वो क्या करती थी, अपना हेल्पिंग जो है, सपोर्ट वो है, वो देती थी। इस तरह के घर काम और भी कुछ घरेलू जो डोमेस्टिक वर्क है वो करना, बाहर जो ऑक्यूपेशन से उसमें काम करना, खेती बाड़ी के काम करना, इस तरह के काम लड़कियों से करवाए जाते, वुमेन से करवाए जाते थे। किसी भी तरह का एक एजुकेशन जो है उनके लिए स्थापित नहीं किया गया था, उनके एजुकेशन के कोई भी डोर्स ओपन नहीं थे।
For example, in the pottery trade, women collected the mud and prepared the earth for the pots. अब पॉटरी में क्या किया जाता था, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं हम कि वुमेन्स को क्या काम करना पड़ता था, जो भी कुछ मड होता था, जो भी कुछ सॉइल होती थी, जो कि वेट सॉइल लगती है, तो वो सॉइल जमा करना, उससे पॉट्स बनाना, इस तरह के काम वुमेन्स के थ्रू, वुमेन्स द्वारा किए जाते थे. बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील, दे वेर नॉट सीन एज पॉटर्स. देखिए, बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील, और जो व्हील होता है यानी कि पॉटरी, जो पॉट्स तैयार करने के लिए व्हील पर जो इस्तेमाल किया जाता है, जो व्हील इस्तेमाल किया जाता है, आप लोगों को मालूम है कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो एक व्हील पर तैयार किए जाते हैं, तो वो व्हील जो है वो महिलाओं के द्वारा या फिर गर्ल्स के द्वारा नहीं चलाया जाता था, सिर्फ उनको एक सपोर्टिव हेल्पिंग के तौर पर देखा जाता था, सपोर्टिंग पर्सन के तौर पर उनको देखा जाता था. ठीक है. इन द 19th century मेनी न्यू आइडियाज अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग इमर्ज्ड. अब देखिए 19वीं शताब्दी में एजुकेशन के बारे में, लर्निंग के बारे में बहुत सारी नई नई कल्पनाएं इनोवेट हो गई, नई नई कल्पनाएं एजुकेशन में स्थापित हुई. कौन सी कल्पनाएं थी, कौन सी इमेजिनेशन थी, देखिए. स्कूल्स बिकेम मोर कॉमन एंड कम्युनिटीज दैट हैड नेवर लर्नड रीडिंग एंड राइटिंग स्टार्टेड सेंडिंग देयर चिल्ड्रेन टू स्कूल. अब देखिए 19वीं शताब्दी में लोगों की सोच में बदलाव आया. जो लोग अपने घर के बच्चों को या फिर गर्ल्स को, बॉयज को सीखने के लिए स्कूल में नहीं भेजते थे, तो 19th century में लोगों के विचारों में बदलाव आ गया, लोगों के थिंकिंग में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, वो लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेजने लगे. बट देयर वॉज अ लॉट ऑफ अपोजिशन टू एजुकेटिंग गर्ल्स इवन देन. लेकिन तब भी उस समय में गर्ल्स को एजुकेट करने में या फिर गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड करने में बहुत दिक्कत आ रही थी, लोग अपोज कर रहे थे, इस बात का विरोध कर रहे थे कि गर्ल्स को एजुकेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. येट मेनी वुमेन एंड मेन मेड एफर्ट्स टू ओपन स्कूल फॉर गर्ल्स. फिर भी कुछ ऐसी लेडीज थी, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल बनवाए और उन स्कूल के द्वारा लड़कियों को एजुकेट करने का, लिटरेट करने का काम उन्होंने शुरू किया. वुमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट. और तत्कालीन जो वुमेन्स थी, गर्ल्स थी, उन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, संघर्ष किया कि हमको क्या करना है, लर्न करना है, रीड करना है, राइट करना है, ताकि हम भी अच्छे तरीके का एक एजुकेशन पा सके. यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये पिक्चर है पंडिता रमाबाई, ओके, जिन्होंने महिलाओं को सुशिक्षित किया, लिटरेट किया, उनको अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशंस में काम दिया. अब देखिए किस तरह का काम उन्होंने किया. रमाबाई और उनका ये जो टाइमिंग है, क्या है, 1858 to 1922. देखिए, शोन अबो विथ हर डॉटर, पंडिता रमाबाई जो है उनके पास जो लड़की खड़ी है, बैठी है, वो उनकी क्या है, डॉटर है. चैंपियन्ड द कॉज ऑफ वुमेन्स एजुकेशन. देखिए पंडिता रमाबाई जो है, इन्होंने वुमेन्स एजुकेशन शुरू किया था, वुमेन को एजुकेशन मिलना चाहिए, ये बात उन्होंने कही थी और उसके लिए एफर्ट्स उन्होंने शुरू किए थे. शी नेवर वेंट टू स्कूल बट लर्न टू रीड एंड राइट फ्रॉम हर पेरेंट्स. पंडिता रमाबाई जो है वो कभी भी स्कूल नहीं गई, लेकिन उन्होंने पढ़ना और लिखना अपने माता पिता से सीखा. शी वॉज इवन द लिटल पंडिता बिकॉज शी कुड रीड एंड राइट संस्कृत, अ रिमार्केबल अचीवमेंट एज वुमेन देन वेयर नॉट अलाउड सच नॉलेज. अब तत्कालीन समय में उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज का भी नॉलेज लिया. शी वेंट ऑन द सेटअप ऑफ मिशन इन खेड़गांव नियर पुणे इन 1898. अब पुणे के पास एक खेड़गांव एक प्लेस है, उन्होंने एक मिशन, वो उस मिशन पर गई थी खेड़गांव नियर पुणे, कब, 1898, वेयर विडोज एंड पुअर वुमेन वेयर एनकरेज नॉट ओनली टू बिकम लिटरेट, टू बी इंडिपेंडेंट. अब वहाँ पर जो भी कुछ विडोज थी, विधवा महिलाएं थी, जो भी कुछ इलिटरेट महिलाएं थी, उनको एजुकेशन देने का काम वहाँ से उन्होंने शुरू किया. दे वेयर
taught a variety of skills from carpentry to running a printing press skill that are not usually taught to girls even today. The printing press can be seen in the picture on the top of left corner. Ramabai's mission is still active today. और जो महिलाओं को सिर्फ एजुकेशन देना देने का काम ही नहीं किया, इसके साथ उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर करने का काम भी किया. कारपेंटरी हो, प्रिंटिंग प्रेस में काम करना हो, इस तरह के काम. आप ये जो पिक्चर यहाँ पर आपको दिख रही है, इस पिक्चर में देख सकते हो आप किस तरह से ये जो सारी महिलाएं हैं, ये महिलाएं एक प्रेस में यहाँ पर काम कर रही है. तो इस तरह के ऑक्यूपेशंस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देने का काम भी पंडिता रमाबाई के थ्रू महिलाओं को दिया गया. महिलाओं को आत्मनिर्भर करने का काम उन्होंने उस वक्त किया था, जो कि आज भी उनका मिशन जारी है. लोग अलग अलग तरह से महिलाओं को आत्मनिर्भर करते हैं. अलग अलग ऑक्यूपेशंस में आज वुमेन्स काम कर सकती है, काम कर रही है. ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए. कमिंग टू आवर पॉइंट, लेट अस रीड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ राश सुंदरी देवी. अब देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, एक लेडीज है राश सुंदरी देवी, उनका एग्जाम्पल दिया गया है, उनका एक एक्सपीरियंस यहां पर दिखाया गया है. देखिए क्या एक्सपीरियंस है उनका. जो टाइमिंग है वो है 1800 to 1890. ठीक है, राश सुंदरी देवी हु वॉज बॉर्न इन वेस्ट बंगाल. उनका जन्म कहां पर हुआ, वेस्ट बंगाल में. Some 200 year ago, आज से लगभग 200 साल पहले उनका वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में उनका जन्म हुआ. एट द एज ऑफ 60, अब उनके इनका जो एज था 60, उसमें क्या किया उन्होंने, देखिए, शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला. उन्होंने खुद की एक आत्मकथा लिखी. ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, खुद के बारे में जानकारी लिखना, उसे कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी. तो बांग्ला लैंग्वेज जो है उस लैंग्वेज में उन्होंने खुद की एक आत्मकथा लिखी. हर बुक टाइटल्ड अमर जीवन. अब उन्होंने उनके बुक को नाम क्या दिया, अमर जीवन. इज द फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन. अब ये जो ऑटोबायोग्राफी है, तो ये एक पहली ऑटोबायोग्राफी थी जो कि एक इंडियन वुमेन ने, यानी कि एक भारत की स्त्री ने लिखी. क्या, आत्मकथा. राज सुंदरी देवी वॉज अ हाउस वाइफ फ्रॉम अ रिच लैंडलॉर्ड्स फैमिली. राज सुंदरी जो ये लेडीज थी, वो एक बहुत ही अमीर घराने से रिगार्ड करती थी, बिलोंग करती थी, एक अमीर पर्सन की वो क्या थी, हाउस वाइफ थी. एट दैट टाइम इट वॉज बिलीव्ड दैट इफ अ वुमेन लर्न टू रीड एंड राइट. तब के तत्कालीन समय में एक विचारधारा क्या थी, एक थिंकिंग क्या थी, अगर समझो वुमेन लिखना और पढ़ना जान गई, शी वुड ब्रिंग बैड लक टू हर हस्बैंड एंड बिकम अ विडो. अगर महिला लिटरेट होती है, एजुकेशन लेती है, अलग अलग तरीके से लिखना और पढ़ना जान लेती है, तो वो बात उसके हस्बैंड के लिए एक बहुत ही बैड लक होता है, वो एक खराब चीज हो सकती है. और वो क्या सकती हो, वो क्या हो सकती है, बिकम विडो, वो विधवा हो सकती है. इस तरह की एक विचारश्रेणी तत्कालीन काल में थी. डिस्पाइट दिस शी टॉट हरसेल्फ हाउ टू रीड एंड राइट इन सीक्रेट वेल आफ्टर हर मैरिज. फिर भी इन जैसी विचारधारा होने के बावजूद, डिस्पाइट यानी बावजूद, तो इन जैसी विचारधारा होने के बावजूद भी वो डरी क्या, नहीं डरी. खुद उन्होंने पढ़ना और लिखना सीखा. कब, उनके मैरिज के बाद, शादी होने के बाद भी उन्होंने सीखा कि किस तरह से पढ़ना है, लिखना है. ओके, नेक्स्ट लाइन है देखिए. आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डॉन एंड आई वुड स्टिल बी एट इट अंटिल वेल बियॉन्ड मिडनाइट. मैं सुबह से लेकर रात तक क्या करती हूँ, काम करती हूँ. आई हैड नो रेस्ट इन बिटवीन. मुझे किसी भी तरह का रेस्ट नहीं मिलता है, आराम नहीं मिलता है. आई वॉज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम. मैं कितने साल की थी तब, 14 ईयर्स ओल्ड. ओके, आई केम टू नर्चर अ ग्रेट लॉन्गिंग. आई वुड लर्न टू रीड एंड आई वुड रीड अ रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट. मैंने तब क्या पढ़ा, एक रिलीजियस यानी कि धार्मिक ग्रंथ जो है उसको मैंने पढ़ा था, मैन्युस्क्रिप्ट. आई वॉज अनलकी. अब देखिए यहाँ पर एक बॉक्स दिखाया गया है, रोके या सखावत. ठीक है, अपना जो ये पॉइंट है यहाँ से हम थोड़ी देर बाद देखेंगे. पहले ये बॉक्स में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं. रोकेया सखावत हुसैन
एंड हर ड्रीम्स अबाउट लेडी लैंड। अब रोकिया सखावत हुसैन नाम की एक लेडीज है, तो उनके क्या ड्रीम्स थे देखिए, इनके बारे में यहां पर जानकारी दी गई है। रोकिया सखावत हुसैन ये जो नाम है देखिए, 1882 1932 वॉज बॉर्न इन टू अ रिच फैमिली हु ओन्ड अ लॉट ऑफ लैंड। वो एक बहुत ही अमीर घराने में उनका जन्म हुआ था और उनके पास बहुत सारी जमीन जायदाद थी। दफ शी न्यू हाउ टू रीड एंड राइट उर्दू, उनको उर्दू लिखना और पढ़ना आता था। किसे? रोकेया सखावत को। शी वॉज स्टॉप्ड फ्रॉम लर्निंग बांग्ला एंड इंग्लिश, और उनको किस बात से रोका गया कि वो बांग्ला और इंग्लिश लैंग्वेज ना सीखे। वो बांग्ला और इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहती थी लेकिन उनको स्टॉप कर दिया गया। इन दोज डेज इंग्लिश वॉज सीन एज अ लैंग्वेज दैट वुड एक्सपोज गर्ल्स टू न्यू आइडियाज विच पीपल थॉट वेयर नॉट करेक्ट फॉर देम। अब तत्कालीन समय में लोग क्या कहते थे, क्या विचारश्रेणी थी लोगों की, अगर समझो लेडीज इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख गई तो न्यू आइडियाज उसके दिमाग में आएंगे, तो ये बात कुछ ठीक नहीं है। तो उनको तब तत्कालीन समय में, एट दैट टाइम एंशियंट टाइम में, उनको रोका जाता था कि आप इंग्लिश लैंग्वेज मत पढ़ो। देयरफॉर इट वॉज मोस्टली बॉयज हु वेयर टॉट इंग्लिश, सिर्फ बॉयज को ही इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाती थी। रोकेया लर्न टू रीड एंड राइट बांग्ला एंड इंग्लिश राइट द सपोर्ट ऑफ हर एल्डर ब्रदर एंड एन एल्डर सिस्टर। तो ये जो रोकेया थी, इन्होंने क्या किया, अपना जो एक भाई था और एक बहन थी उसकी मदद लेकर इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना और लिखना उन्होंने सीखा। शी वेंट ऑन टू बिकम अ राइटर, अब वो क्या बनना चाहती थी, राइटर बनना चाहती थी। शी रोट अ रिमार्केबल स्टोरी टाइटल सुल्तानास ड्रीम इन 1905, उन्होंने एक स्टोरी भी लिखी जिसका नाम था सुल्तानास ड्रीम सन 1905 में। ओके, टू प्रैक्टिस हर इंग्लिश स्किल्स व्हेन शी वाज मेयरली 25 इयर्स ओल्ड दिस स्टोरी इमेजिन अ वुमन कॉल्ड सुल्ताना हु रीच्ड अ प्लेस कॉल्ड लेडी लैंड। अब उन्होंने क्या स्टोरी लिखी थी, सुल्ताना एक ऐसी लेडी की जो क्या कहलाई जाती थी, लेडी लैंड। लेडी लैंड इज अ प्लेस वेयर वुमेन हैड टू फ्रीडम टू स्टडी वर्क एंड क्रिएट इन्वेंशंस लाइक कंट्रोलिंग रेन फ्रॉम द क्लाउड्स एंड फ्लाइंग एयर कार्स। अब ये जो लेडी लैंड था वहां पर क्या लिखा था उन्होंने, रोकेया ने, कि वहां पर सब लोगों को, वुमेन्स को जो है पढ़ना लिखना या फिर जो भी कुछ एजुकेशन लेना, लर्निंग करना, उसकी क्या है, फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, स्टडी करना, पढ़ाई करने की स्वतंत्रता है, और क्रिएट इन्वेंशंस, नई नई चीज़ों का इन्वेंशंस करना, नई नई चीज़ों को खोजना, इन सब बातों का क्या है, वहाँ पर फ्रीडम है। इस तरह का एक डिस्क्रिप्शन उस बुक में उन्होंने किया, उस स्टोरी में उन्होंने किया था। इन दिस लेडी लैंड द मेन हैज बीन सेंट इन टू सेक्लूजन, देयर एग्रेसिव गन्स एंड अदर वेपन्स आर फार डिफीटेड बाय द ब्रेन पावर ऑफ वुमेन। As Sultana travels in Ladyland with sister Sara, she awakes to realize that she was only dreaming. अब ये जो चीज़ें थी कि लोग अब ladies को या फिर women's को सीखने की इजाज़त दे रहे हैं, और ladies जो women's होती है वो अलग अलग तरह की जो बातें हैं, education है, वो सीख रही है, लेकिन आखिरकार जो उनको एक imagination हुआ या फिर एक चीज़ महसूस हुई वो कौन सी है, कि ये सब जो चीज़ें हैं वो ड्रीमिंग में हो रही है, ऐसा लग रहा है कि वो सपने में हो रही है। एज यू कैन सी, रोकेया सखावत हुसैन वॉज ड्रीमिंग ऑफ वुमेन फ्लाइंग प्लेन्स एंड कार्स इवन बिफोर गर्ल्स वेयर बींग अलाउड टू गो टू स्कूल। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि रोकेया हुसैन जो है वो, उनको एक अलग ही उनके विचारधारा थी कि हमने एजुकेशन लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। वुमेन फ्लाइंग प्लेन्स यानी कि जो महिलाएं हैं वो क्या कर सकती है, प्लेन फ्लाई कर सकती है। आज आप देख सकते हो कि अलग अलग प्रोफेशन में आज प्लेन जो है, प्लेन को कौन चलाता है, पायलट कौन करता है, वुमेन्स भी आज हम देखते हैं। दिस वॉज द वे इन विच एजुकेशन एंड लर्निंग हैड चेंज्ड रोकेयाज ओन लाइफ, और इसी विचार श्रेणी से रोकेया की पूरी जो जिंदगी है वो बदल गई। रोकेया डिड नॉट स्टॉप एट गेटिंग एजुकेशन जस्ट फॉर हरसेल्फ, रोकेया ने सिर्फ खुद को एजुकेटेड नहीं किया। हर एजुकेशन गेव हर द पावर नॉट ओनली टू ड्रीम एंड राइट बट ऑल्सो टू डू मोर टू हेल्प अदर गर्ल्स टू गो टू स्कूल एंड टू बिल्ड देयर ओन ड्रीम्स। उन्होंने अपने खुद को एजुकेट किया, लिटरेट किया, और बाकी लड़कियों को भी स्कूल जाने के लिए मोटिवेट किया, प्रेरित किया। इन 1910 शी स्टार्टेड अ स्कूल फॉर गर्ल्स इन कोलकाता,
सन 1910 में गर्ल्स के लिए उन्होंने एक स्कूल शुरू की एंड टू दिस डे द स्कूल इज स्टिल फंक्शनिंग, और आज भी वो स्कूल लड़कियों के लिए क्या है, शुरू है। ओके अब इस तरह की एक रोकिया सखावत हुसैन की एक स्टोरी यहाँ पर हमने देखी है कि किस तरह से उन्होंने स्कूल एजुकेशन लिया है और आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो उन्होंने बताया है। एक पिक्चर यहाँ पर उनकी आप देख सकते हो। नाउ कमिंग टू अवर पॉइंट, हम देख रहे थे राज सुंदरी देवी की एक स्टोरी की किस तरह से उन्होंने पढ़ना और लिखना जाना था, या फिर किस तरह से उन्होंने पढ़ने का प्रयास किया, लिखा, और सोसाइटी की जो भी कुछ अपोजनेस है वो भी उन्होंने थोड़ी सी उसको बाजू में रखा और खुद को लिटरेट करने का प्रयास किया। आगे वाली लाइन में देखिए क्या हो गया था, देखिए, अनलकी इन दोज डेज वुमेन वेयर नॉट एजुकेटेड। अब उन दिनों में प्राचीन काल में एंशियंट टाइम में वुमेन्स जो थी वो नॉट एजुकेटेड, उनको एजुकेशन नहीं मिल पाता था, वुमेन जो थी वो थोड़ी सी इलिटरेट थी, एजुकेशन नहीं लेती थी। लेटर आई बिगेन टू रिसेंट माई ओन थॉट्स। अब क्या क्यों हो गया, जो ये जो राज सुंदरी देवी है उन्होंने क्या किया, देखिए, आई बिगेन टू रिसेंट माई ओन थॉट्स, उन्होंने खुद के विचार समाज में सोसाइटी में फैलाना शुरू किया। वट इज रॉन्ग विथ मी, अब उन्होंने सोचा कि क्या मेरे साथ गलत हो रहा है या फिर क्या गलत बात है। वुमेन डू नॉट रीड, हाउ विल आई डू इट। अब वुमेन्स जो है वो पढ़ना लिखना नहीं जानती है तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। देन आई हैड अ ड्रीम, और तभी मुझे एक ड्रीम आया, मैंने एक सपने में क्या देखा, आई वॉज रीडिंग द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ चैतन्य भागवत। देखिए मैं क्या पढ़ रही थी, एक मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ रही थी जिसे किसने लिखा था, चैतन्य भागवत नाम के जो पर्सन है उन्होंने लिखा था, द लाइफ ऑफ अ सेंट, एक संत का के जीवन पर आधारित एक स्टोरी थी, वो मैं पढ़ रही थी। लेटर इन द डेज एज आई सैट कुकिंग इन द किचन आई हर्ड माई हस्बैंड से टू माई एल्डेस्ट सन, एक बार मैंने सुना कि मेरे जो हस्बैंड है वो मेरे एल्डेस्ट सन को क्या कह रहे हैं, बेपिन आई हैव लेफ्ट माई चैतन्य भागवत हेयर, मैं मेरा क्या है चैतन्य भागवत यहाँ पर भूल गया हूँ। ठीक है, When I asked for it, जब मैंने इसके बारे में पूछा, bring it in, he left the book there and went away. When the book had been taken inside, I secretly took out a page and hid it carefully. It was a job hiding it, for nobody must find it in my hands. अब मैंने कुछ इस तरह से उस पन्ने को या फिर उस बुक को मेरे पास रखा कि जैसे कोई उसे देख ना पाए, क्योंकि मुझे क्या करना था, secretly पढ़ना और लिखना जानना था, आई वॉन्ट टू लिटरेट माई सेल्फ, मुझे पढ़ने की इच्छा थी, इसलिए मैंने उस बुक को अच्छे तरीके से वहां पर रख दिया। माई एल्डेस्ट सन वॉज प्रैक्टिसिंग हिज अल्फाबेट्स एट दैट टाइम, मेरा जो एल्डेस्ट सन था वो क्या सीख रहा था, अल्फाबेट्स सीख रहा था तब के टाइम में। आई हिड वन ऑफ देम एज वेल, अब जो अल्फाबेट्स है वो अल्फाबेट भी मैंने क्या किए, वो जो एक बुक थी वो भी मैंने सीक्रेटली अपने पास रख ली ताकि मैं भी अल्फाबेट सीख पाऊँ। एट टाइम्स आई वेंट ओवर दैट ट्राइंग टू मैच लेटर्स फ्रॉम दैट पेज विद द लेटर्स दैट आई रिमेंबर्ड, और तब से मैंने क्या शुरू किया कि अल्फाबेट्स को जानना शुरू किया, मेरे पास जो बुक थी उस बुक को और मेरे एल्डेस्ट सन के पास के जो भी कुछ अल्फाबेट मैंने ली थी वो अल्फाबेट्स और बुक के जो लेटर्स थे उनको मैच करना मैंने शुरू किया। और तभी मैंने क्या किया कि ये जो पढ़ने की शुरुआत है, रीडिंग की जो प्रैक्टिस है, वहीं से मैंने शुरू की। आई ऑल्सो ट्राइड टू मैच द वर्ड्स विथ देखिए आई ऑल्सो ट्राइड टू मैच द वर्ड्स विथ दोज दैट आई वुड हियर इन द कोर्स ऑफ माई डेज। अब देखिए मैंने बहुत सारे ऐसे वर्ड सुने थे जो कि मेरे कोर्स में थे या फिर मैं सीख रही थी, उन वर्ड्स को भी अल्फाबेट के साथ मैंने मैच करके देखा ताकि मैं अलग अलग टाइप के वर्ड्स क्या कर पाऊँ, रीड कर पाऊँ। विथ ट्रिमेंडस केयर एंड एफर्ट एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई लर्नड हाउ टू रीड, और बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत एफर्ट लेने के बाद मैं क्या करना सीख गई, आई लर्नड हाउ टू रीड, मुझे पढ़ना आ गया, वर्ड लेटर्स कैसे पढ़ने हैं वो मैं सीख गई। आफ्टर लर्निंग द अल्फाबेट राज सुंदरी देवी वॉज एबल टू रीड
द चैतन्य भागवत। और जैसे ही वो पढ़ना लिखना जान गई, पढ़ना जान गई, तो उन्होंने क्या पढ़ा, रीड द चैतन्य भागवत, चैतन्य भागवत नाम की जो बुक है उन्होंने पढ़ ली। थ्रू हर ओन राइटिंग शी ऑल्सो गेव द वर्ल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू रीड अबाउट वुमेन्स लाइव्स इन दोज डेज। और उन्होंने तत्कालीन समय में महिलाओं का जीवन कैसा था, वुमेन्स का जो जीवन है वो किस तरह का था, इसके बारे में भी जानकारी उन्होंने अलग अलग प्रकार के बुक्स में राइट की थी। राज सुंदरी देवी रोट अबाउट हर एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंस इन डिटेल्स। राज सुंदरी देवी ने जब पढ़ना जान लिया तब उन्होंने लिखा कि किस तरह की एक जिंदगी, किस तरह का जीवन वुमेन्स का उन दिनों में था, किस तरह का जीवन वुमेन्स व्यतीत करती थी, इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी लिखी। देयर वेयर डेज व्हेन शी डिड नॉट हैव अ मोमेंट रेस्ट। अब देखो वो दिन कैसे थे, उन दिनों में उनको किसी भी तरह का आराम करने का कोई भी मौका नहीं मिलता था, फिर भी अपने बिजी शेड्यूल में व्यस्त होने के बावजूद उन्होंने उन दिनों में महिलाओं का जो जीवन था, महिलाओं को किस तरह से कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, किस तरह से महिला इलिटरेट रहती है, इसके बारे में जानकारी अपने अलग अलग बुक्स में उन्होंने लिखी थी। नो टाइम यू वॉन्ट टू सीट डाउन एंड ईट। और इतना ही नहीं, महिलाओं को बैठकर खाने का टाइम भी, महिलाओं को बैठकर आराम से कुछ खाने का फुर्सत भी नहीं मिलती थी, तो इतने बिजी शेड्यूल में उन्होंने अपना जो राइटिंग का रीडिंग का काम है वो किया था। यहाँ पर आपको एक पिक्चर आप देख सकते हो बुक में, यहाँ पर दिया है अनलाइक राज सुंदरी देवी एंड रोकिया हुसैन। देखिए रोकिया हुसैन हो, राज सुंदरी देवी हो, हु वेयर नॉट अलाउड टू लर्न टू रीड एंड राइट, लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स अटेंड स्कूल इंडिया टूडे। अब उन दिनों में ये जो दो लेडीज थी, राज सुंदरी देवी और रोकिया हुसैन, इनको इजाजत थी क्या, परमिशन थी क्या पढ़ने लिखने की, नहीं, फिर भी उन्होंने सीक्रेटली अपनी जो इच्छा है, अपनी जो अपेक्षा है वो पूरी की, लिखना और पढ़ना उन्होंने जान लिया। आज का जो एज है, आज के एज में हम देख सकते हैं कि अलग अलग इंडिया में अलग अलग तरह के जो एजुकेशन सिस्टम से वो रन होते हैं। डिस्पाइट दिस दे आर कंटिन्यू टू बी मेनी गर्ल्स हु लीव स्कूल फॉर रीजंस ऑफ पॉवर्टी, इनएडिक्वेट स्कूलिंग फैसिलिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन। फिर भी कई कई जगह पर आज भी पॉवर्टी यानी कि गरीबी, इनएडिक्वेट स्कूलिंग फैसिलिटी, स्कूलिंग फैसिलिटी ना होना, डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग तरीके का भेदभाव, इस तरह से आज भी हम देखते हैं कि वुमेन्स को, गर्ल्स को अच्छे तरीके का एक एजुकेशन नहीं मिल पाता है। प्रोवाइडिंग इक्वल स्कूलिंग फैसिलिटीज टू चिल्ड्रेन फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज एंड क्लास बैकग्राउंड्स एंड पर्टिकुलरली गर्ल्स कंटिन्यूज टू बी अ चैलेंज इन इंडिया। तो आज भी हमारा जो, हमारी जो कंट्री है इंडिया, यहाँ पर पर्टिकुलरली गर्ल्स को एजुकेट करना, गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, बहुत ही चैलेंजिंग वर्क है। क्या कि जो भी कुछ चीज़ें होती है, जो भी कुछ अलग अलग फैसिलिटीज होती है, कभी कभी पावर्टी हो, इनएडिक्वेट स्कूलिंग फैसिलिटीज़ हो, या फिर डिस्क्रिमिनेशन हो, भेदभाव का जो हमारा, हमारी जो विचारसरणी होती है, ये इन जैसे सारे प्रॉब्लम्स की वजह से आज भी हमारी कंट्री में लड़कियों को एजुकेशन मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।